हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज आपके साथ मैं ये टेस्टी सा ड्रिंक रेसिपी यानी कि बादाम शेक शेयर करने वाली हूं, जो बहुत टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है और ये लगभग सभी को पसंद आती है, सभी का फेवरेट होता है ये, छोटे बड़े सभी को ये पसंद आती है। तो चलिए आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, छोटी सी घंटी हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस कर देंगे। और इस तरह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से अगर आप पीना पसंद करते हैं तो पूरे वीडियो को देखें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे यहाँ 4 से 5 स्पून दूध ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। आपको बहुत ठंडा या गर्म दूध नहीं लेना। ये देखिए, इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने ये कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, आपके पास जो कस्टर्ड पाउडर हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम। उसके बाद यहाँ मैंने पैन लिया है और इसमें 1/2 लीटर के लगभग दूध ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। जब हमारा दूध 10% रिड्यूस हो जाए तब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे, तब तक इसको हम अच्छी तरह बॉयल होने देते हैं। और यहाँ मैंने लिए हैं 10 से 15 बादाम और इसको मैंने अच्छी तरह भिगो के रख दिया था रात में और इसके छिलके उतार दिए मैंने इस तरह। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो इसको मिक्सी के जार में, इसका पेस्ट बनाने के लिए हमेशा छोटे साइज का ही पॉट का यूज़ करें क्योंकि बड़े पॉट में ये अच्छी तरह से नहीं पेस्ट बन पाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 स्पून दूध, ये देखिए, और इसको हम एक बार पॉट को ब्लेंड कर लेते हैं बादाम को। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और पेस्ट बनने पर ये कुछ इस तरह दिखेगा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बन पाता इसका क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम रहती है। तो अब चलिए इसको आगे देखते हैं। और ये देखिए हमारा दूध जो है ये भी अच्छी तरह हो गया है और ये देखिए अब इसका फ्लेम लो करेंगे और इसमें ये जो बादाम का पेस्ट है इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें सारे पेस्ट को हम ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम और इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह पकाएंगे। ये 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसमें आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स जो आपके हैं वो ऐड कर सकती हैं आप इसमें। और इसको इस तरह हम चलाते रहेंगे अच्छी तरह। जब ये हमारा बादाम जो है ये थोड़ा सा पक जाता है तो इसे खुशबू इसकी अच्छी आने लगती है। उसके बाद इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम ऐड करते हैं। ये देखिए इसे इस तरह हम चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा बादाम जो है वो पक गया है। अब इसमें हम कुछ रेसे डालेंगे केसर के, इसमें हम कुछ धागे यहाँ केसर के डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। इस तरह इससे कलर अच्छा आ जाता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सबसे पहले शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकती हैं इसमें। मैं यहाँ पे 2 ग्लास बना रही हूँ इसलिए इसमें मैंने 4 स्पून शुगर 4 स्पून ऐड किए हैं। और मीठा तो खैर आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और ये साइड के ये जितने भी लेयर लगे हैं सभी को हम इसे मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका बादाम शेक जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए
इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा ये शुगर जो है इसमें मेल्ट नहीं हो जाता है। गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं करेंगे क्योंकि दूध जो है आपका बाहर आ सकता है इसमें। और इसमें ऐड करेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकती हैं, बट बादाम शेक है तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स तो अच्छा ही लगेगा इसमें, तो आपको जितने ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकती हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारे दूध में अच्छी तरह उबाल आ गई है। अब क्या करेंगे हम कि गैस का फ्लेम करेंगे लो और इसमें ये जो हमारा कस्टर्ड मिल्क है इसमें हम इसको ऐड करेंगे। इसको एक बार इस तरह हम चलाएंगे, देखिए, और धीरे धीरे करके हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे गिराते समय इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसको हम चलाते रहेंगे, ज़्यादा देर तक ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो इस बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल कस्टर्ड जैसा ही लगने लगेगा। इसमें थोड़ा सा हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे जिससे कि हमारे बादाम शेक का फ्लेवर जो है वो थोड़ा अच्छा है। और इसको मुश्किल से हम कस्टर्ड पाउडर वाला दूध मिलाने के बाद एक मिनट तक पकाएंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो, और इसे इस तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल एक मिनट तक मैंने पका लिया है। अब गैस का फ्लेम करेंगे हम ऑफ। ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह उबाल आ गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको फ्रीज में हम रखेंगे, और फ्रीज में इसको रखेंगे 3 से 4 घंटे तक, क्योंकि ये ड्रिंक है और मिल्क शेक है तो थोड़ा ठंडा रहेगा तो पीने में इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पीने में, तो इसलिए इसको आप ठंडा करके ही पिए। और अगर आपको नॉर्मल शेक पसंद है तो आप इसे ठंडा करके भी पी सकती हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी तो ये बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम ठंडा कर लेते हैं। ये हमारा जो ये शेक है मैंने फ्रिज में रख के और इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। देखिए इसे मैंने एक गिलास में रख लिया और दूसरे गिलास भी, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 गिलास बनाई थी, 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इस तरह हम रख लेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आप इसमें यहाँ पे किशमिश ऐड कर सकती हैं, यहाँ पे बादाम पिस्ता ऐड कर सकती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे केसर ऐड कर देंगे जिसकी हमारे पूरे जो बादाम से है उसका फ्लेवर बहुत अलग हो जाए, टेस्ट हो जाए और आसानी भी लगे। ये देखिए तो इस तरह मैंने यहाँ पे पिस्ता डेकोरेट कर लिया है, बादाम डेकोरेट कर लिया है, तो ये आपका बादाम शेक बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह नए यूनिक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं फिर मिलूँगी, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।